बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 3 ऑफ दादरेली ट्रैक और आज हमने मूव करना है और पलनचाई तक जाना है, लेकिन रात को काफ़ी बारिश होती रही है और जिसकी वजह से हमारे टेंटमेंट गीले थे। सुबह भी बारिश हो रही थी और अभी जाके कोई तकरीबन कोई 11:30-12 मौसम थोड़ा सा क्लियर हुआ है। टेंट हमारे अभी भी गीले हैं, लगे हुए हैं और वो पोर्टर्स हज़रात जो हैं वो बाद में उतार के और फिर आएँगे। हम लोग अभी बस निकल रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे और पलनचाई की तरफ जो है हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। बस दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक खैर करे और खैरियत से हम जो है वो पलनचाई तक पहुँच जाएँ। हाँ जी, सफ़र शुरू हो चुका है और ये सामने मेरे दोस्त जा रहे हैं, मेरी टीम मेंबर्स, वो हमारे गाइड हैं, वो जा रहे हैं, उनके साथ साथ बस चल रहे हैं। अभी ये वाला पानी क्रॉस किया है, पांव सुन्न हुए हैं, इतना ठंडा पानी था यार। ये वो ऊपर इधर आबशार से आ रहा है, ये बशकर गोल याद आ गया मुझे, बहुत ठंडा पानी था। जहाँ से हम आए हैं यार, इस वादी में बहुत आबशारे हैं। ये देखें, ये 3-4 ये इधर से गिर रही हैं सामने, पता नहीं आपको नज़र आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन गिर रही हैं। सांस बहुत फूल रहा है यार। उस तरफ से हम आए हैं, वो उधर नीचे से हम आए हैं और इधर ऊपर हमने जाना है। ओ यार टफ है ये वाली चढ़ाई जो है ना, ये काफ़ी टफ है। बस चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह पलनचाई। तो आपको दिखाते हैं कि पलनचाई कैसा नज़र आता है। आज का ट्रैक और कल का ट्रैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, तो आज ज़्यादा बात नहीं कर रहा इसी वजह से, क्योंकि आज हम लेट निकले हैं तो अभी थोड़ा तेज़ चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जो है ना वो जो टाइम हमने ज़ाया किया है उसको रिकवर कर लें और सही टाइम पे अपनी कैंप साइट पर पहुँच जाएँ। तो काफ़ी रास्ता तो है नहीं, यहाँ पर बोल्डर्स में ही चलना है, काफ़ी ज़्यादा टफ है। असल ट्रैक जो है ना वो अब बता रहा है कि भाईजान लाड झाड़ ख़त्म, अब जो है ना ये सारे पानी हम क्रॉस करके आए हैं, पता नहीं किस तरह करके आए हैं, वायरल करके आ गए हैं ऊपर। अभी मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। अभी तीसरा दिन है, काफ़ी क्लाइमेटाइज हो गए हैं, तो बस चलते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहुँचते हैं अगली कैंप साइट पर, हमारे साथ हैं। हाँ जी, हम आए हैं वो सामने जो दरख्त हैं उनके नीचे, इस साइड से हम चलें
और अभी ये चढ़ाई करते करते यहाँ पे पहुँचे। बड़ी यार टफ हाइक है ये वाली। और वो सामने मेरी टीम बैठी हुई है, ऊपर रेस्ट मार रहे हैं। और जाना हमने वो सामने जा के, फिर हमने ऐसे मुड़ना है, आगे पता नहीं कितना जाना है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मदद रही तो पहुंच जाएंगे। वो सामने हमारे पोर्टर खड़े हुए हैं, वो अभी ऊपर आ रहे हैं। वो वहाँ से हम नीचे से आए हैं और वो सामने मेरे भाई साहब जा रहे हैं। और बड़ी हिम्मत की है वैसे इन्होंने, आईटी का काम करते हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठते हैं और बहुत अरसे बाद किसी ट्रैक पर आए हैं। और ये बड़ा मुश्किल ट्रैक है फॉर समवन जो के मतलब 9 to 5 करता हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो फिर भी आए हैं और अभी वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ से हमने इधर जाना है, हमारा पास जो है उस तरफ कहीं पे है ऊपर, तो देखते हैं अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हाँ जी, फूल देखें, ये जो रेड फूल हैं, ये रेड फूल जो हैं ये बताते हैं कि जो है ना गर्मी का सीज़न एंड हुआ और अब जो है वो ख़िज़ां आने को है। तो जब ख़िज़ां आती है तो ये फूल निकलते हैं। तो ये अभी ये फूल निकल आए हैं, हम बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सीज़न है। और जो चरवाहे हैं वो भी नीचे जा चुके हैं, यहाँ से बहुत कम ऊपर चरवाहे रह गए हैं, बाकी सब नीचे चले गए हैं क्योंकि यहाँ सर्दी शुरू हो गई है। अब तो सर्दियों में ज़ाहिर है यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं होता, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो बस चलते हैं अभी आगे, आपको पलनचाई तक लेके जाते हैं। ये सारी वैली हम जो है वो चढ़ाई चढ़ के आ गए और अभी हम इस तरफ ऊपर जा रहे हैं। पता नहीं कितना ऊपर जाना है लेकिन जा रहे हैं। मज़ेदार ट्रैक है, थोड़ा टफ है लेकिन मज़ा आ रहा है। बस अल्लाह खैरियत से पहुंचा देंगे। उधर नीचे से हम आए और यहाँ तक हमें तकरीबन 4 घंटे लगे हैं। और वो सामने हमने चढ़ाई पे जाना है और इस तरफ मुड़ना है। तो अभी 2-3 घंटे तो कम से कम हैं, देखते हैं फिर अल्लाह पाक हिम्मत दे तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। हाँ जी, वो देखें हमारे पोर्टर जा रहे हैं। यार बहुत ही बहादुर लोग हैं ये, मेहनती हम्बल, बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं। इनके बगैर तो ये ट्रैक हो ही नहीं सकते। अभी हम बादलों से ऊपर फिर रहे हैं। यार पत्थरों में पत्थर ही पत्थर हैं, कोई पत्थरों के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, बस पत्थरों में चलते जाएं। कभी स्लिप होते हैं, कभी कुछ होता है, लेकिन इंशाल्लाह पहुंचेंगे अपनी मंजिल। हाँ जी, तो ये जंक्शन के करीब पहुंच गए हैं। उम्मीद यही करते हैं कि यही जंक्शन होगा जिसके बाद जो है ना हमारी कैंप साइट है, क्योंकि अब ना टांगें जो है ना वो गालियाँ दे रही हैं, समझ लें आप, पूरा जिस्म दुख रहा है। सिचुएशन बहुत टाइट है, बहुत टाइट है, बयान से बाहर है। ये जो बोल्डर्स हैं ना यार, ये बंदे की ना जान निकाल देते हैं। वो वहाँ से हम आए थे
वो वहाँ पे हम जाना है। बस दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक का करम रहेगा तो इंशाल्लाह ऊपर पहुँच जाएंगे। नज़ारा देखें पीछे का, ओ माय गॉड यार, पहाड़ हैं कि चोटियाँ इनकी नज़र नहीं आती, बहुत ही बड़े हैं और हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। और वो देखें जहाँ से हम चले थे वो जगह भी नज़र आ रही है, यहाँ से कमाल का व्यू है। ऑलमोस्ट टॉप पे पहुँच गए हैं लेकिन थकन से बुरा हाल है यार, जिस्म टूट रहा है। व्यू बहुत ज़बरदस्त है, मेरा भाई बहुत थक चुका है और एक दो दफ़ा गिरे हैं लेकिन चल रहा है, बहुत हिम्मत की है उसने। हाँ जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पर पहुँच गए हैं। अभी इससे आगे और कितने टॉप हैं ये नहीं पता, लेकिन इस टॉप पे पहुँच गए हैं यार। बुरे हाल हैं, थकन बहुत टफ था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला टॉप तो आ गया। अभी आगे एक और भी नज़र आ रहा है, उससे आगे क्या है ये तो जाएंगे तो पता चलेगा। पहाड़ों में ऐसा ही होता है, वो मुनीर नियाजी के शेर को आप बेशक कन्वर्ट कर लें। मुझे एक और पहाड़ का सामना था, मैं एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ पहुंचा तो मैंने देखा एक प्यारी सी छोटी सी झील नज़र आ रही है और पलनचाई झील इसको बोलते हैं। पता नहीं आपको यहाँ से नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही, बट यार बड़ा मुश्किल सफ़र था ना, मेरी तो अब बस हुई बड़ी है, लिटरली बस हुई बड़ी है। लेकिन झील देख के हौसला हुआ है कि चलो शायद हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहाँ पे हमने कैंप करना है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुंच गए। यस, बहुत मुश्किल ट्रैक था, आज बहुत टफ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दादरेली बेस कैंप। इट्स डे 4 और रात को हम यहाँ पे तकरीबन कोई 6 बजे पहुँचे थे, 6:30 बजे। वो पीछे हमारी कैंप साइट है और बहुत ज़्यादा थक गया था, इतना ज़्यादा थक गया था कि खाना वगैरह भी नहीं खाया, वैसे ही सो गया क्योंकि हालत बहुत टाइट थी, सारे जिस्म में दर्द था और सो गए। तो अभी उठे हैं, अभी जो है नाश्ता बना रहे हैं हमारे पोर्टर्स और नाश्ता करेंगे और फिर पैकअप करके इंशाल्लाह निकलेंगे। अभी सूरज की रोशनी जो है वो आना शुरू हो गई है तो बस अभी घंटे तक इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएंगे और उम्मीद ये करते हैं कि अल्लाह पाक जो है हमारा ये दिन जो है बहुत अच्छा गुजारेगा और हम खैरियत से जो है वो दादरेली पास करके नीचे उतर जाएंगे। यहाँ पर जो है वो हाइट तकरीबन कोई 4,000 मीटर है जिस जगह पे हम ठहरे हुए हैं और नीचे जो है वो पता नहीं अब ऊपर 5,030 मीटर होगी जो दादरेली हम क्रॉस करेंगे और फिर जो नीचे उतरेंगे वहाँ पे पता नहीं क्या हाइट होगी। बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइट है, शहरी बाबुओं के लिए तो बहुत ज़्यादा हाइट है क्योंकि हम तो तकरीबन कोई 500 मीटर की हाइट के ऊपर रहते हैं और ये वाली जो हाइट है ये तो 4,000 मीटर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं रात को सांस की प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात गुजर गई और अब जो है इंशाल्लाह बस नाश्ता करके तो पास की तरफ जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा।